So, product rule of differentiation. छोटी छोटी 2-4 ग्राम की चीजें, लेट एफ एंड जी आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस, भाई साहब एफ और जी दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं। देन कोई तो हमने फंक्शन मान लिया, कैपिटल एफ एक्स मान लिया सपोज, विच इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू स्मॉल एफ एक्स इंटू स्मॉल जी एक्स। अभी लास्ट चैप्टर हमने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया, अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो उनके सम एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट डिवीजन से बनने वाले फंक्शन भी क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। सब डिफरेंशिएबल होते हैं भाई साहब, तो ये भी डिफरेंशियल फंक्शन होगा। तो जो कैपिटल डी मतलब इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, क्या बताया गया है प्रोडक्ट रूल, एफ एज इट इज जी का डिफरेंशिएशन प्लस एफ का डिफरेंशिएशन इनटू जी एज इट इज, या जी एज इट इज एफ का डिफरेंशिएशन, जैसे भी आप लोग बोलते हैं, है ना। एक फंक्शन एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक दिन लोग क्या पीछे पड़ गए, लोगों को क्या है कि रिसर्च करनी थी, रिसर्च तगड़ी वाली है, तो लोगों ने बोला भाई साहब फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करके बताओ आप, तो यही होता है, तो हम भी लग लिए। बोलो भाई उत्सव जी, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो क्या लिखना है, एफ डैश एक्स कैपिटल एफ डैश एक्स बराबर, ठीक सोच क्या रहे हो, फॉर्मूला बोलना, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, मैंने तो बड़ी सिंपल चीज पूछी आपसे, आप पता नहीं इतना क्या सोच रहे हो, मैं सोच में पड़ गया। फॉर्मूला भाई डेरिवेटिव का, फर्स्ट प्रिंसिपल का, इतनी देर से कर तो रहे हो। ये कंफ्यूज हो गए भाई, सो जाओ तुम, सो जाओ तुम, दिमाग को जगाओ अपने। हाँ भाई सो के बोल, एफ डैश एक्स प्लस एच, व्हाट इज दिस मैन, अब तुम क्या करते हो भाई, कौन सी ब्रांड का नशा करते हो, एफ डैश एक्स प्लस एच क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ डैश एक्स प्लस एच से कहां से आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, वो तो क्या सोच रहे हो इसमें, ये तो लाना है डायरेक्ट थोड़ी लिख दोगे, ये तो लेके आएंगे अभी हैं। लो बोलो भाई लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, इसकी जगह क्या लिखना है, यहां पे रख दें एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अपॉन एच। ए मास्टर इतनी दूर क्यों लिखा, मेरी इच्छा भाई, मैं कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा शायद, चलो देखो माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, और इसी चीज को जोड़ दिया, जोड़ दिया तब तो लिख ही सकता हूँ भाई, ऑब्वियसली बात, सेम चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट करी और कुछ नहीं करा। अब स्प्लिट करूंगा, स्प्लिट इस तरीके से इनको अलग और इसको अलग, सही है, कुछ कॉमन आ रहा है कि देखना, इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन आ गया, आ गया। स्प्लिट करते वक्त लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स अपॉन एच प्लस, इसमें से कॉमन जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। भाई साहब पढ़ने का फायदा सिर्फ और 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 सिर्फ तब है जब आपको ये लगे कि ये डेरिवेटिव है किसका, किसका जी का। ये क्या लिखा है,
डेरिवेटिव ऑफ एफ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल के यूज से एफ का डेरिवेटिव, ये जी का डेरिवेटिव, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? जी के डेरिवेटिव को क्या लिखोगे? जी डैश एक्स प्लस जी एक्स। एफ के डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स। अच्छा अब इसको क्या लिखें? एफ ऑफ एक्स प्लस एच को एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन डेरिवेबल दिया है। अगर फंक्शन डेरिवेबल दिया है तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा भाई साहब, नहीं होगा तो उसकी जो आर एच एल एल एच एल होगी वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगी। हमने इसको एफ एक्स ही तो लिखा सिर्फ, तो ये प्रोडक्ट रूल बन गया भाई साहब आपका, एफ एज इट इज जी का डिफरेंशिएशन प्लस जी एज इट इज एफ का डिफरेंशिएशन। छापो छापो, जल्दी आंसर मैच कराओ इनका, डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगाना बस और कुछ नहीं है। इसका डेरिवेटिव हो गया dy बराबर एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। इसका डेरिवेटिव dy e की पावर x एज इट इज tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस tan x एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। सिंपल है, कुछ कोई ऐसी क्रांतिकारी काम है ही नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है समाज के साथ कि साला पढ़ाते कुछ और हैं पूछते कुछ और हैं। भाई हमें दो के दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा दिया, पूछा क्या तीन का, पूछ ले पूछने वाले को मुंह थोड़ी बंद कर सकते हो। उसने पूछ लिया, क्या पूछा भाई साहब? तीन फंक्शन प्रोडक्ट में उसका डेरिवेटिव लिखो। इफ थ्री फंक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्ट, तीन फंक्शन अगर प्रोडक्ट में लिखे हुए और उसका डेरिवेटिव निकालना है, हमें सिखाया किसका है? दो का सिखाया भाई साहब हमें तो, है बचपन में दो नंबर ऐड करने सिखाए थे तो तीन भी तो ऐड कर लेते थे कैसे एक साथ, बचपन की बात, पहले दो को ऐड करो फिर उसको तीसरे को ऐड कर दो, बिल्कुल सही बात है, वही करेंगे वही करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम काम। इसको ऐसा करते हैं श्याम मान लेते हैं, इसको राम मान लेते हैं, हैं क्या करना है? राम एज इट इज श्याम का डेरिवेटिव ऐसे डैश लिख दिए, लिख सकता हूं प्लस 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 श्याम एज इट इज इंटू राम का डिफरेंसेस। अब यहां पे इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, यही तो करते हैं क्या ले बोलो? जी एच का डिफरेंशिएशन जल्दी से, जी एज इट इज एच का डिफरेंशिएशन प्लस एच एज इट इज जी का डिफरेंशिएशन प्लस जी एच टाइम्स एफ डैश। अब मैंने इसको तमीज से लिखा लास्ट में, भाई साहब ये लिखा हुआ था ये,
जिन लोगों को ऑब्जर्वेशन करने की आदत है वो मेरी इस बात को समझ पाएंगे शायद। सबका एक एक बार ही डिफरेंशिएशन कर दो, खत्म बात। एक बार एफ का डिफरेंशिएशन कर दिया, एक बार जी का, एक बार एच का। एक का तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, बाकी दोनों फंक्शन हमेशा एज इट इज है। अब तो इसे जनरलाइज किया जा सकता है, हैं? अब तो इसे जनरलाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर चार फंक्शन का डेरिवेटिव पूछा जाएगा तो चार चीजें आएगी, चार टर्म आएगी। एक बार एफ का, एक बार जी का, एक बार एच का, एक बार जो भी फंक्शन है लास्ट आपका डब्ल्यू या जो भी वॉट एवर फाइ साई। सही है। अच्छा, इसको हमने रिश्ता नंबर वन नाम दे दिया भाई। एग्जाम्पल, लेट एफ ऑफ एक्स बराबर एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स इंटू एफ थ्री एक्स एंड सो ऑन अप टू एफ एन एक्स। भाई एन फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, एक एफ एक्स दे दिया आपको, एन फंक्शंस का प्रोडक्ट वेयर एफ आई एक्स इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन क्लास। हाँ भाई, एफ आई एक्स इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन। ऐसे एफ आई एक्स लिखने का मतलब पता है क्या होता है? वो सारे हो गए। एफ आई का मतलब सारे। अच्छा, ये सारे फंक्शन डिफरेंशियबल है तो प्रोडक्ट भी डिफरेंशियबल ही होगा, नेचुरल सी बात है। ठीक है, देन शो दैट। क्या सुना है भाई? एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल्स टू एफ वन डैश अपॉन एफ वन प्लस एफ टू डैश अपॉन एफ टू प्लस एफ थ्री डैश अपॉन एफ थ्री एंड सो ऑन अप टू एफ एन डैश ओवर एफ एन। जब मैं इस एफ का डिफरेंशिएशन करूंगा यानी कि एफ डैश, तो क्या होगा? एक बार एफ वन का डिफरेंशिएशन होगा, है ना? ये खा गए थे आप एक्चुअली, पता है आपको? हाँ, और बाकी सारे क्या रहेंगे? एज इट इज, एफ टू से लेके एफ एन। फिर उसके बाद होगा एफ टू का डिफरेंशिएशन, एफ वन एफ थ्री, बाकी सारे क्या रह जाएंगे? एज इट इज। लास्ट में जाके हम लोग एफ वन से लेके एफ एन माइनस वन तक एज इट इज डिफरेंशिएशन किसका हो रहा होगा? एफ एन का। हाँ, अब बोल, अब कैसे हो जाएगा? अब क्या करूंगा? ये तो तेरे से पहले वाली लाइन थी, अब उसके बाद वाली लाइन बोल। बोल क्या करना है? ये तो पड़ोसी का सुन लिया तूने? हाँ सुना, मैं क्या बह रहा हूँ? तब एफ का एफ, हाँ हाँ सही सही, तू तो सही बोल रहा था, मैं ही गेले हूँ। एफ का डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एफ का डिवाइड कर देंगे तो सब चीजें कट जाएगी भाई साहब। ये देखो, एक करके दिखा रहा हूँ सिर्फ, यहाँ पे एफ टू से लेके एफ एन तक सब कैंसिल। क्या बचा? एफ वन डैश अपॉन एफ वन। अब भी तुम्हें समझ में नहीं आया कैसे प्रूव हुआ? तो तुम जाना, तुम्हारा काम जाने, मैं तो नहीं बता रहा इसके आगे। चल जाए एथलीट काम। तुम हो गए एथलीट किसी में जिसमें तुम्हें मिली है? तो ऐसी मार लाए तुम, किसी और की मार के लाए हो, कोई और है घर में? बाकी लगती बहुत शानदार है भाई साहब तुम्हारी जैकेट, मेरी तो नजरें हैं इसके ऊपर एक्चुअली। तुम्हारे सिलेक्शन वलेक्शन हो जाए मेरे को गिफ्ट कर जाना तुम्हें, ठीक है? हाँ, क्या ही कर कह रहे थे हम? एग्जाम्पल मतलब, हाँ ये हो गया ना। और यार मिटा दिया यार, शिट, हट यार, दोबारा लिखो। फ्रॉम वन, क्या यार, मैं ज्यादा प्रिविलेज उठाऊंगा। एफ डैश जी एच प्लस एफ जी डैश एच प्लस एफ जी एच डैश, है ना? लिखो ऐसे ही, क्या करो? साल मैंने मिटाया, तुम्हें भी लिखना पड़ेगा वापस। तुम्हें तो वैसे भी लिखना था। अरे तुम्हें तो फिर भी लिखना ही था फ्रॉम वन, इसके आगे भी तो लिखना है। दिस कैन बी जनरलाइज्ड
अप टू प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ फंक्शंस, ये अभी बताई दिया हमने भाई साहब। एक एक का डिफरेंशिएशन करते रहो, बाकी सारे एज इट इज छोड़ दो। इसे तो कितने भी नंबर, कितने भी नंबर ऑफ फंक्शंस के प्रोडक्ट के साथ यूज किया जा सकता है। ठीक है, हमने दोबारा क्यों लिखा भाई? सुनो सुनो सुनो, एक दिन हमने ये जो राइट हैंड साइड थी ना, राइट हैंड साइड, इसके साथ एक गेम खेला, इंसानी लालच है सब कुछ, वो आलसे आदमी, इंसानी लालच। क्या देखना ध्यान से, एक एक का डिफरेंशिएशन करते जाओ, बाकी सारे एज इट इज छोड़ दो, इससे आप कितने भी फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कर सकते हो। लिख दिया मैंने यहाँ पे, दिस कैन बी जनरलाइज अप टू प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ फंक्शंस। लेकिन जब तीन फंक्शन के प्रोडक्ट की बात चल रही थी, तीन फंक्शन के प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन की बात, हम लिख चुके हैं फॉर्मूला, ये रहा इसमें फॉर्मूला क्या है, मतलब ये तो ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इसको किसी ने टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड कर दिया, कर सकता हूँ ऐसा तो मैं? नहीं कर सकता। कर सकता हूँ क्या? टू से डिवाइड किया तो नीचे आ गया टू, ऊपर देखना क्या आया, एफ डैश जी एच प्लस एफ डैश जी एच प्लस एफ जी डैश एच प्लस एफ जी डैश एच प्लस एफ जी एच डैश प्लस एफ जी एच डैश। कोई दिक्कत? दो दो बार लिख दिया, दो से मल्टीप्लाई करने की बजाय, दिक्कत है? नहीं है। अच्छा, इसमें से फर्स्ट में से और थर्ड में से क्या लगता है, कुछ कॉमन आ रहा है? फर्स्ट और थर्ड में से एच कॉमन ले लो, चलो बोलो कॉमन लेने के बाद बोलो क्या बचा अंदर, एफ डैश जी प्लस एफ जी डैश प्लस दूसरे और पांचवे में से, दूसरा और पांचवे में से हैं जी कॉमन है भाई साहब, ले लें जी कॉमन, जी कॉमन अंदर बचा एफ डैश एच प्लस एफ एच डैश प्लस लास्ट जो दो बचे, इनमें से कोई सिंबल नहीं बचा था अब तो, ऐसे ये ऐसे वो किसी कार्टून के पैर नहीं लग रहे, किसके होते हैं? कुत्ते के होते हैं वैसे, कुत्ता मुझे है? ए, हाथ होते उनके तो, छोड़ो हाथ होते साले। हाँ एफ 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 अंदर बोलो, जी डैश एच प्लस जी एच डैश अपॉन चीव। ध्यान से देखा मैंने जब, ध्यान से ये क्या लिखा हुआ, ये F इंटू जी का डिफरेंशिएशन नहीं है, अच्छा ये क्या लिखा है, F और H का डिफरेंशिएशन, ये G और ओह माय गॉड मैन, ओह माय गॉड, व्हाट इज माय गॉड, तीन फंक्शन के प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन में भाई साहब, एक को एज इट इज छोड़ के दो का डिफरेंशिएशन, F को एज इट इज, G और H का डिफरेंशिएशन, G को एज इट इज, H और F का डिफरेंशिएशन, मैंने सिर्फ साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है, H एज इट इज, F और G का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय 2 करके भी एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है। नोट दैट दिस इज वैलिड ओनली फॉर प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस। ये समझ में, तीन फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन के लिए मैंने दो अलग अलग फॉर्मूले बना दिए भाई साहब, एक तो जनरलाइज्ड जो कितने भी फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए यूज हो सकता है, और एक पर्टिकुलर जो सिर्फ तीन फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए यूज हो सकता है। एक को एज इट इज छोड़ के दो दो का डिफरेंशिएशन यदि किया जाए तो जो भी आएगा उसका सम करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। है? नहीं नहीं, जरूरत की बात होती है भाई साहब। एक्चुअली क्या है, हम तो जब तीन फंक्शन का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन पूछेंगे तो नेचुरल सी बात, हम तो ऐसे करेंगे, गिले थोड़ी हम जबरदस्ती बाय 2 वाला चीज यूज करेंगे, ये तो पागलपंती है। लेकिन जब पर्टिकुलरली यही चीज पूछी जाएगी तो फिर तो यही यूज करना पड़ेगा ना भाई। जैसे किसी ने कहा, क्वेश्चन लिखिए, हम्म,
कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स इंटू स्मॉल जी एक्स इंटू स्मॉल एच एक्स। एक बार और, एक बार और, क्या हुआ, कौन निपटा पहले करवा देते बंद। इफ एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट गिवन कैपिटल एफ डैश एक्स नॉट बराबर 21 एफ एक्स नॉट, स्मॉल एफ डैश एक्स नॉट स्मॉल जी डैश एक्स नॉट स्मॉल एच डैश एक्स नॉट। फोर एफ एक्स नॉट माइनस सेवन एफ एक्स जी एक्स नॉट और के एच एक्स नॉट, फाइंड के। Given f, g, h are three differentiable functions. Given f, g, h are three differentiable functions. F0 is equals to 1. G0 is equals to 2, H0 is equals to 3, FG ka differentiation at x is equals to 0 is 4, GH ka differentiation at x equals to 0 is 5, and HF ka differentiation at x equals to 0 is 6. Find f, g, h ka differentiation at x equals to 0. हाँ भाई साहब, छोड़ दिया ये तो फर्स्ट वाला तो बड़ा टट्टी था भाई। भाई साहब इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है, क्यों? अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, कैपिटल f डैश अपॉन f इज इक्वल टू स्मॉल f डैश अपॉन f प्लस g डैश अपॉन g, मानते ही नहीं हो ना तुम लोग। लेकिन अभी बताया थोड़ी देर पहले, तुमने खुद ने प्रूव किया था, नहीं कहता ब्रो है? जब भी इन जनरल है तो किसी एक्स नॉट के लिए भी हो सकता है। अरे एक्स नॉट कौन है यार, पर्टिकुलर पॉइंट है। हम तो बोल रहे हैं हमेशा ही वैसा होता है, तो एक्स नॉट के लिए भी होगा, होगा नहीं होगा? इसकी वैल्यू कितनी दी है, 21 4 माइनस 7 प्लस के, के इज इक्वल टू 24। लो खत्म हो गया, क्या है ये, किस लिए दिया गया है ये रहा? ये चीजें गिवन है, इसकी वैल्यू दे रखी जीरो पे 1, इसकी वैल्यू जीरो रखी जीरो पे 5, इसकी वैल्यू दे रखी जीरो पे 2, इसकी वैल्यू दे रखी है 6, इसकी दे रखी है 3 और इसकी दे रखी है 4। चार दिया 12, दूना 12 24, 24 और 5, 24 और 5 29, तो 29 बाय 2 इज द आंसर। इन सब की वैल्यू दे रखी भाई साहब जीरो पे, और इसकी पूछी है, ये तो बड़ा कमाल की बात हो गई यार, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। गलत है, पढ़ लिया था, कोई बात नहीं, इतना चलता है, तो कहीं तो होगोगे तुम्हें भी तो बुरा लगता बिना आगे।
सबको लगता है।